तो दोस्तों ये मैं भी नाना करमगुड़ा में आया हूँ और ये देखिए यहाँ के नज़ारे हैं। और यहाँ का जो क्या बोलते हैं रोड का जो आकृति है ना एकदम गोला है और देख रहे हैं गाड़ी कैसे गोला घूम रही है। और ये देखिए स्टैचू है वो तो टीन का बनाया हुआ स्टैचू है। तो दोस्तों ये नाना करमगुड़ा का वृत्त रोड है। देखिए इधर से जो आ रहे हैं ना ये देखिए हाईवे से आ रहा है, हाईवे है ऊपर उससे आगे जाएंगे थोड़ा तो उधर हाईवे है। तो हाईवे से हट गया है नाना करमगुड़ा के लिए। और शमशाबाद ये देखिए शमशाबाद जाएगा, वो जो उधर का रास्ता है शमशाबाद जाएगा। तो भाई अब मैं भी जाना है नाना करमगुड़ा तो इधर जाऊँगा मैं। ये देखिए इधर चलता हूँ, चलिए। तो देखिए दोस्तों ये नाना करमगुड़ा का हाईटेक सिटी है, अंदर में देखिए बहुत बड़ा सिटी है दोस्त। अभी तो मैं थोड़ा बाहर ही हूँ, अभी अंदर जाऊँगा। ये देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ ये हाईटेक सिटी है नाना करमगुड़ा का, हाईटेक है नाना करमगुड़ा थोड़ा आगे है, मतलब नाना करम का हाईटेक सिटी है यानी कि फाइनेंशियल एरिया बिल्डिंग। तो चलिए थोड़ा अंदर चलेंगे। और इधर देखिए ये थोड़ा पार्क और ये स्टैचू, खूबसूरत सा स्टैचू किनका है, यहीं का होगा भाई, किसी का क्या बोलते हैं तेलुगु भाई होंगे, तेलुगु पुरुषोत्तम कोई, मैं तो नहीं जानता, कोई आप होंगे जो जानते होंगे तो बताइएगा। और मेरे को ये रास्ता से जाना है अपने कंपनी, मैं 10 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और इसी रास्ते से मेरे को जाने का है। यार दोस्तों एक बात आप सभी से जिम कहना चाहेंगे, कहीं भी जाना है बिंदास होकर जाना, कहीं भी नहीं भूलोगे। हम देखो यार बिंदास होकर आता जाता हूँ शहर में, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से बिंदास जाता रहता हूँ। तो भाई इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, डरोगे तो मरोगे, समझे, डरने का नहीं, एकदम बिंदास होकर चलने का। कहीं भी जाना हो बिंदास होकर चलिएगा, भूलेंगे नहीं। हाँ लेकिन एक चीज़ है, आप पढ़े लिखे हैं इंग्लिश थोड़ा जाना आना चाहिए, और इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हिंदी भी आना चाहिए भाई पढ़ने लिखने, और नहीं तो एकदम बकलोल है तो भाई दिमाग दौड़ाना फ्रेश रखना पड़ेगा, मतलब पढ़े लिखे नहीं है तब, और कहीं नहीं भूलेंगे। देख रहे हैं मैं घूमते आ रहा हूँ, क्योंकि भाई जो ब्लॉगिंग का ज़िंदगी होता है ना वो छुच्छा पैदल होता है, तो ही ब्लॉगिंग कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग जो होता है पैदल किया जाता है, गाड़ी से नहीं कर पाएंगे आप ब्लॉगिंग। किसी ब्लॉगर का देख लीजिएगा वो पैदल ही चलेगा। तो देख लीजिए नज़ारे, चलते हैं आगे।